स्वागत है एक बार फिर से डेली फोकस न्यूज में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल के दिन का, यानी कि रक्षाबंधन पर्व के बारे में। जी हाँ, तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व इन चीजों के बिना रहता है अधूरा। तो आइए जान ले कौन कौन सी वो सामग्री है जो इस लिस्ट में शामिल है। रक्षाबंधन भाई बहन का पावन त्योहार है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधन के पर्व में राखी बांधने से पहले बहनें पूजा की थाली तैयार करती हैं। पूजा की थाली में 5 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं इस सामग्री की पूरी लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रक्षाबंधन है तो राखी का होना तो सबसे जरूरी है। रक्षाबंधन के पर्व में सबसे जरूरी चीज राखी होती है। पूजा की थाली में राखी का होना बहुत जरूरी होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे रोली की। रक्षाबंधन के दिन बहनें सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक लगाती है। तिलक लगाने के लिए रोली की आवश्यकता होती है। रक्षाबंधन के दिन पूजा थाली में राखी को जरूर रखें। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले तिलक लगाने की परंपरा है। चावल, तिलक लगाने के बाद माथे पर चावल भी लगाया जाता है, इसको अक्षत भी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली में चावल जरूर रखें। आरती के लिए दीपक, रक्षाबंधन के दिन बहने भाई की आरती भी उतारती हैं। आरती उतारने के लिए दीपक की जरूरत होगी, इसीलिए पूजा की थाली में दीपक को जरूर रखें। इसके बाद मिठाई, त्योहार हो या फिर कोई भी फंक्शन, मिठाई न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रक्षाबंधन के पावन पर्व में बहने भाई को मिठाई खिलाती हैं। पूजा की थाली में मिठाई का होना बेहद आवश्यक होता है। तो इस तरह से इन सारे सामग्री को अपनी थाली में सजाएं और भाई की कलाई पर राखी बांधें।